संक्रमण के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 38,055 नए मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर हो गई है 2,88,144 और अब तक 10,959 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पिछले 24 घंटे में 23,231 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और अब तक कुल 7,52,211 लोग ठीक भी हो चुके हैं। कल प्रदेश में 2,25,960 सैंपल की जांच की गई। अब तक प्रदेश में, आपको बता दें कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और अब तक प्रदेश में जो सैंपलिंग है वो बहुत बड़ी संख्या में हुई है। अब तक 96,079 वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। 19,43,675 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। संक्रमण के 38,055 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 23,231 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 2,88,144 है और अब तक कुल मिलाकर 7,52,211 मरीज संक्रमण विहीन हो चुके हैं, वो स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना ने बेशक इस वक्त हर तरफ हाहाकार मचा रखा है, लेकिन इन दिनों कोविड-19 के नाम पर आपदा को अवसर में बदला जा रहा है। संभल से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां एक बेटा और बेटी अपने माता पिता के शव लेने के लिए घंटों अस्पताल के बाहर खड़े रहे, लेकिन अस्पताल शव देने के नाम पर उनसे 1,35,000 रुपए की मांग करने लगा। कई घंटों के इंतजार और मीडिया के हस्तक्षेप के बाद अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को शव सौंप दिए। मामला संभल सदर के एशियन हसीना बेगम L2 हॉस्पिटल का है, जहां अंश सिंह का आरोप है कि उनके माता पिता राजेश सिंह और माता निशा सिंह को करीब 3 दिन पहले कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन अस्पताल में उनके माता पिता के साथ डॉक्टर्स और स्टाफ ने लापरवाही बरती और उनकी कोरोना से शनिवार को मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब अस्पताल प्रशासन शव देने के नाम पर उनसे 1,35,000 का बिल भरने की मांग करने लगा। अंश ने बताया कि एक तो मेरे सिर से माता पिता का साया उठ गया, ऊपर से अब इतने रुपए मैं कहां से लाऊं। अंश ने स्थिति को देखते हुए मीडिया की मदद मांगी तो आखिर में मीडिया के हस्तक्षेप के बाद अंश को उसके माता पिता के शवों को सौंप दिया गया। इस तरीके का हमारे उसमें संज्ञान में मामला आया, ये एशियन हॉस्पिटल को हमारी तरफ से अधिकृत किया गया है जो गवर्नमेंट के रेट पे इलाज करेगा और 25% बेड हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए दे रखे हैं। जो भी पेशेंट हमारी तरफ से रेफर होकर जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा, उसका पेमेंट सरकार की तरफ से किया जाएगा। लेकिन जानकारी होने पर पता चला कि ये प्राइवेट तौर पर ये मरीज भर्ती हुए थे और सिर्फ मात्र 9,000 रुपये इनकी तरफ से जमा हुए थे। जैसे ही मामला संज्ञान में आया उसके बाद इन्हें बॉडी हैंड ओवर करा के सब कुछ क्लियर करवा दिया गया, ऐसा कोई अब इशू बचा नहीं है। और कुछ ऐसे ही संवेदनहीनता की तस्वीरें प्रयागराज से भी सामने आई हैं। यहां कोविड के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग मरीज की मौत के बाद अस्पताल के लोगों ने उनके परिजनों को खबर तक नहीं दी और लावारिस के तौर पर अंतिम संस्कार करा दिया। इतना ही नहीं, अस्पताल के कर्मचारी परिवार वालों से 4 दिनों तक मौत की बात छिपाकर उनसे मृतक को देने के लिए जूस और खाना वगैरह भी लेते रहे। अस्पताल का स्टाफ मृतक को जूस और खाना पहुंचाने के लिए परिवार वालों से पैसे भी ऐंठता रहा। परिवार वालों को 4 दिन बाद ये बात पता चली जब उसे उस बेड पर भर्ती किए गए दूसरे मरीज के परिजनों ने जानकारी दी। इस मामले में अब अस्पताल प्रशासन चुप्पी साधे हुए है और कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। हमने कहा नहीं सर प्लीज, बहुत उनसे जरूरी विनत किया कि हमारे पिताजी हैं। अंत में क्या हुआ? अंत में बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप जाइए वहीं, फिर वहां से एक स्टाफ को लगा दिए। वहां से मैं आया, देखा कि स्टाफ जो है ऊपर से नीचे तक गए, वहां देखे तो अब वो निकल नहीं रहे थे, चूँकि हमारे पिताजी थे नहीं, उनका डेथ सर्टिफिकेट था तो वो नहीं निकल रहे थे वहाँ। तो हम गए घुस के अंदर, हमने कहा क्या हुआ सर, क्या हुआ? तो कहें आपके पिताजी 17 तारीख को उनको डेथ हो गई है। वो कह रहे थे कि 17 को डेथ हो गई तो आखिर उनका हमारे पास सूचना क्यों नहीं गई, कहाँ ये सर्टिफिकेट है इसको ले लीजिए। हमने कहा 17 तारीख डेथ हो गई तो अंतिम संस्कार भी आप नहीं कर पाए? हमने कहा 17 तारीख को जो है आप सूचना कम से कम, फोन नंबर नहीं था।
देखिए पूरे देश में कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के कारण सैकड़ों मरीज मौत का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में कुछ एम्बुलेंस चालक भी इस महामारी की आड़ में मरीजों को बचाने की जगह उन्हें बेचने में लगे हैं। पूरा मामला मेरठ के जगदम्बा हॉस्पिटल का है। एक एम्बुलेंस चालक ने मरीज के परिजनों को बहकाकर महिला को मेरठ के जगदम्बा हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। देर रात महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी और हॉस्पिटल संचालकों पर महिला की हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। मृतका के परिजनों ने डीएम को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। वीडियो में देखा गया है अभी कि किसी मतलब मरीज को एक एम्बुलेंस वाला लेकर के आया है और जगदम्बा हॉस्पिटल में मतलब भर्ती कराने के नाम पर संभवतः लाया गया है और डेथ हो गई है अपेरेंटली। और वीडियो में इसके बाद की स्थिति नहीं है साफ, कोई तो बड़ा गंभीर प्रकरण है ये। और अगर फॉल्स मतलब प्रॉमिस करके कोई इस तरह से किसी को लाता है और जिम्मेदारी कंप्लीट किए मतलब बगैर अगर निकल जाता है वहां से तो गंभीर है ये। इसकी जांच करा करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और देखिए इस खबर में बड़े अपडेट ये मिल रही है मेरठ से कि जगदम्बा अस्पताल पर सीएमपी ने बड़ी कार्रवाई कर दी है और कार्रवाई के तहत अब अस्पताल में कोविड मरीज भर्ती नहीं होंगे। सीएमओ ने कोविड वार्ड की अनुमति को कैंसिल कर दिया है। मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के आदेश दे दिए गए हैं। लापरवाही बरती गई उसका वीडियो कई बार वायरल हो चुका है। सीएमओ अखिलेश मोहन ने पत्र जारी कर यह आदेश जारी कर दिया है। तो सीएमओ ने बड़ी कार्रवाई की है, जगदम्बा अस्पताल पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। अस्पताल में अब कोविड मरीज भर्ती नहीं होंगे। सीएमओ ने कोविड वार्ड की अनुमति को अब कैंसिल कर दिया है, क्योंकि जगदम्बा हॉस्पिटल के कई सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोरोना के कहर से बड़े शहरों के बाद किस कदर छोटे शहरों में अब तबाही मच रही है, इसकी एक भयानक तस्वीर कन्नौज से आई। यहां सरकारी आंकड़ों में लोगों की मौतों की संख्या भले ही 2 से 5 प्रतिदिन दिखाई जा रही है, लेकिन इसकी हकीकत शमशान घाटों में एक के बाद एक जलती चिताओं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। रोज बड़ी संख्या में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 18 अप्रैल से पहले इन शमशान घाटों पर 18 से 20 शव अंतिम संस्कार के लिए आते थे, लेकिन 18 अप्रैल के बाद अचानक 50 से ज्यादा शव रोज अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं। बता दें कि कन्नौज जिले में 2-3 स्थानों पर लोगों के शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। यह आंकड़ा सिर्फ एक शमशान घाट का है, जबकि दूसरे शमशान घाट में शवों के अंतिम संस्कार का आंकड़ा मिल नहीं रहा है। बड़े शहरों के बाद कोरोना ने अपना कहर अब छोटे शहरों पर भी बरसाना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम कन्नौज जिले के मेहंदी गंगा घाट पुल पर खड़े हैं और जहाँ पर अपनी तरफ एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी हिला कर रख देगी। लाइन से यहाँ पर 100 रखे हुए गए हैं, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। कई 100 जल चुके हैं, कई 100 जल रहे हैं, कई 100 को जलाने की तैयारी हो रही है। ये सिर्फ एक घाट की बात है, दूसरी तरफ देखिए वहाँ पर भी लगातार 100 वहाँ पर जलाए जा रहे हैं। तो तस्वीर इतनी भयावह है, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 2 से 5 प्रतिदिन मर रहे हैं, लेकिन शमशान घाट की जो तस्वीर है वो 50 से 100 से ज़्यादा तस्वीर है। आंकड़ों की अगर बात करें तो 18 अप्रैल के बाद से यहाँ पर लगातार आंकड़े बढ़े हैं। यहाँ के जो शमशान घाट कर्मचारी, उनसे जो हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि 18 तारीख के बाद से लगातार 50, 60, 70, 80 ऐसे 100 आ रहे हैं यहाँ पर जलने के लिए आ रहे हैं और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारी आंकड़े कुछ और हैं, लेकिन ज़मीन पर हकीकत क्या है। अब ये मौत कोरोना से हो रही है या किसी अन्य बीमारियों से हो रही है, इसकी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन आपको होशियार रहना है। एबीपी न्यूज़ आपको भी आगाह करता है, आपसे निवेदन करता है कि बहुत आवश्यक कार्य हो तो घर से निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले, घर पर रहें, सुरक्षित रहे, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसको पालन करते रहे, तभी आप सुरक्षित है। नहीं तो आप इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज इनकी बारी है तो कल आपकी भी बारी हो सकती है। नित्य मिश्रा, एबीपी गंगा, कन्नौज। यूपी में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर लोगों की परेशानी और अव्यवस्था को लेकर हंगामा किया। ऑक्सीजन सिलेंडर की बढ़ती किल्लत को लेकर बहराइच में मरीजों के परिजनों ने देर रात सीएमओ आवास पर जबरदस्त हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन को लेकर स्वास्थ्य महकमा लगातार लापरवाही बरत रहा है, जिसकी वजह से मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन यहां उपलब्ध नहीं हो पा रही है।
ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए देर रात मरीजों के परिजन आग बबूला हो गए और सीएमओ राजेश रंजन के आवास पर जाकर सिलेंडर की मांग करने लगे। परिजनों के साथ अस्पताल के भी डॉक्टर सीएमओ से ऑक्सीजन की गुहार लगाते दिखे। हालांकि इस मामले पर जिम्मेदारों से बात करने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। मेरी नौकरी ले ली, मेरा सेमेस्टर का तनख्वाह ले लिया। अपनी लाइफ सेव करने के लिए मैं अकेली मम्मी की हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ कि मम्मी मेरी रिकवर हो जाए, और मेरे को ऐसे जवाब दे कि सीएमओ साहब नहीं दे रहे सिलेंडर, मेरे ऊपर क्या बीतेगी आप ही बताइए। तो आपकी माता जी, आपकी मम्मी कहाँ एडमिट है बेटा? यहीं पे ही है, लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है उनको रेगुलर ऑक्सीजन चाहिए। इतने मेरे लोग हैं, मेरे हर टाइम मेरे पास रिपोर्ट्स आती हैं कि इनकी डेथ हो रही है, उनकी डेथ हो रही है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट ओवर हियर, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। उधर मेरठ पुलिस ने संक्रमण के इलाज में मददगार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का पर्दाफाश करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मेरठ पुलिस ने तीमारदार बनकर निजी अस्पताल के कर्मचारी से इंजेक्शन खरीदने की बात की, जिसके बाद कोविड वार्ड में तैनात कर्मचारी ने 30,000 में एक इंजेक्शन का सौदा कर दिया, जिसके बाद 3 इंजेक्शन और देने की बात हुई। इतना ही नहीं, जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो हॉस्पिटल के सुरक्षा गार्डों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, जिसके बाद पुलिस ने 2 वार्ड कर्मचारी और 4 निजी सुरक्षा गार्ड समेत करीब 8 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन गाजियाबाद के एक मरीज के नाम पर मंगवाए गए थे और इंजेक्शन मरीज को देने की बजाय इसकी कालाबाजारी चल रही थी। इस बात की जानकारी जब मेरठ पुलिस को हुई तो कप्तान ने टीम गठित कर सर्विलांस की मदद से 2 लोगों तक पहुंची, जिससे एक वार्ड बॉय कोरोना वार्ड में तैनात था। थाना जाने के सुहार्ती हॉस्पिटल में रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस के द्वारा जांच की गई, रेड की गई, तो उसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम अंकित है और आमिर है। इनमें से एक कोविड वार्ड में कार्यरत कर्मचारी है और दूसरा व्यक्ति नॉन कोविड वार्ड में कार्यरत कर्मचारी है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां भाजपा सांसद कौशल किशोर ने प्रशासन को धमकी दी है, पीड़ितों को ऑक्सीजन नहीं मिला तो दूंगा धरना। लखनऊ में हालात बहुत खराब हैं, बहुत भयावह हैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो कौशल किशोर, जो इससे पहले पंचायत चुनाव को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं, उन्होंने एक बार फिर से चेतावनी दी है और ये कहा है कि अगर ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिला तो वो धरने पर बैठेंगे। लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि राजधानी में स्थिति भयावह हो गई है। भाजपा सांसद कौशल किशोर, जो पहले अपने बेटे की वजह से सुर्खियों में रहे, उसके बाद उन्होंने सवाल खड़े किए पंचायत चुनाव पर, और अब वो ये कह रहे हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर पीड़ितों को ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। ये जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी बनती है कि हम लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराएं। इतने फोन हमारे पास आते हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज फोन आ रहे हैं और लगातार बेचारे वो गिड़गिड़ाते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं फोन पर कि हमको किसी तरीके से ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए। मेरे सामने मजबूरी आ जाएगी और मजबूरी है, मजबूर होकर के मुझे धरने पर बैठ जाना पड़ेगा। मैं नहीं बैठना चाहता इसलिए कि अफरा तफरी का कोई माहौल ना बन पाए, लेकिन अगर समय से सही तरीके से लोगों को ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर उपलब्ध नहीं कराई गई, उन लोगों को जो घरों के अंदर आइसोलेट होकर क्वारंटाइन होकर अपने को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से उनकी जान अगर जाएगी तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत ही खराब है और बहुत ही निंदनीय होगी। पूरे प्रदेश में 59 घंटे का लॉकडाउन जारी है, सोमवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। ऐसे में यूपी के अलग अलग शहरों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। राजधानी लखनऊ में लोग कोरोना के खौफ के चलते गाइडलाइन का पालन करते दिखाई दिए, यहाँ की सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दिया। तो वहीं आगरा की बात करें तो यहाँ लोगों में लापरवाही दिखाई दी, शुरुआत में लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिखाई दिए, तो वहीं कुछ देर बाद जब पुलिस प्रशासन ने सख्ती की तो लोग सड़कों पर कम दिखाई दिए। लेकिन नोएडा में तो लॉकडाउन मजाक बनकर रह गया, यहाँ की सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ दिखाई दी, नजारा ऐसा था कि मानो कोरोना का किसी को खौफ ही नहीं। तो वहीं कन्नौज में भी लोग लॉकडाउन में लापरवाही बरतते दिखाई दिए। इसके अलावा शामली से भी ऐसी ही तस्वीर आई, जहां लोग बेवजह सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। यूपी में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर शासन ने 59 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन लगाया है, लेकिन लॉकडाउन का असर कहीं देखने को नहीं मिल रहा है।
एबीपी गंगा की टीम वीकेंड लॉकडाउन का जायजा लेने निकली तो लोग पूरी तरह से कोरोना से बेखौफ सड़कों पर बेवजह घूमते नजर आए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी बेबसी एक बार फिर से नजर आई, जो स्वास्थ्य विभाग की जो नाकामियां भी हैं उनकी तस्वीरों को उजागर करते हुए नजर आए। संक्रमण को लेकर यूपी सरकार द्वारा वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था। कल रात 8 बजे से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं पीलीभीत के मेन गौरनिया चौराहे पर। लॉकडाउन को लेकर लगभग 15 घंटे से अधिक बीत चुके हैं, समय 12 बज रहा है और सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आवाजाही पूरी तरीके से चालू है। लॉकडाउन का कोई असर नहीं देखा जा रहा है, चौराहे पर पुलिस कैद है लेकिन किसी से आने जाने वालों से पूछताछ नहीं करते दिख रही है। वहीं एबीपी गंगा के कैमरे में ऐसी तस्वीर कैद हुई है जिसे स्वास्थ्य विभाग पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। ठेले पर टीबी की मरीज को ले जाते एक पिता एबीपी गंगा के कैमरे में कैद हुए हैं। बदहाल स्वास्थ्य विभाग की तस्वीर और यूपी में लॉकडाउन का असर कहीं दिखाई होता नजर नहीं आ रहा है। लोग कोरोना से बेखौफ लापरवाह देखे जा रहे हैं और सड़कों पर लगातार निकल रहे हैं। जिले में 700 से अधिक एक्टिव केसों की संख्या है और बीते 48 घंटों में 3 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, लेकिन लोग हैं कि जागरूक नहीं दिख रहे हैं। सड़क पर लॉकडाउन का पालन करते लोग नहीं दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं बिना मास्क के लोग नजर आ रहे हैं। कुछ वे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको अस्पताल संबंधी या ज़रूरत है वही लोग रोड पर नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ टहलने या घूमने के लिए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा आपसे यही अपील करता है कि घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। कैमरामैन प्रीत के साथ विक्रांत शर्मा, एबीपी गंगा, पीलीभीत। पीलीभीत के साथ साथ इटावा में भी वीकेंड लॉकडाउन का कोई भी असर सड़कों पर नहीं दिखाई दिया। लोगों की चहल पहल सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और साथ ही किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं दिख रहा है और ना ही कोरोना का कोई डर। और प्रशासन का भी कोई अधिकारी या पुलिसकर्मी सड़कों पर नजर नहीं आ रहा है जो इस वीकेंड लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा सके। तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सूबे की योगी सरकार ने 2 दिनों का वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में पहले दिन वीकेंड कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। शहर की ज्यादातर सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जगह जगह पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को रोककर चेकिंग कर रही है। जो जरूरी सेवाओं से नहीं जुड़े हैं ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस चालान की कार्रवाई भी कर रही है, साथ ही उन्हें हिदायत भी दे रहे हैं कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए। कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोकथाम में पुलिस और प्रशासन का सहयोग किया जाए। कोरोना के कहर को रोकने के लिए यूपी में शासन प्रशासन की ओर से तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। यूपी में सबसे ज्यादा प्रभावित है राजधानी लखनऊ। ऐसे में लखनऊ में युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। वाराणसी में भी पूरे शहर में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। एमएलसी AK शर्मा ने इस अभियान को हरी झंडी दिखाई। आगरा में भी बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। उत्तराखंड में भी एहतियात बरती जा रही है। राजधानी देहरादून में सभी वार्डों में नगर निगम की ओर से सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया, तो वहीं हरिद्वार में भी सरकार दफ्तरों में सैनिटाइजेशन का काम कर रही है।